मनोहर का घर कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर से छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज़ उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के दो बच्चे थे और दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी था और छोटे बेटे का नाम विकी था। एक बार गर्मी की छुट्टी में रॉकी और विकी की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात में लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रू और डायर खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछती कि तुम ट्रू लोगी या फिर डायर। सोनिया डायर लेती है और पूछती है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना रॉकी। ये हुई ना बात तो जाओ अब छत पर घूम करके आओ और छत पर रखे गमले में से फूल तोड़कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। सोनिया, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। रॉकी और विकी दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए ज़बरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह दिखती है कि उस पेड़ पर सर कटी हुई उल्टी लाश लटकी रही है। सोनिया उसे देखती है और ज़ोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती तो रॉकी और विकी डर जाते हैं और वह छत पर जा करके देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। वो तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। मनोहर, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की ज़रूरत क्या थी? और रॉकी, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती हैं, फिर भी तुम सोनिया को छत में जाने के लिए क्यों भेजा? रॉकी, सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। मनोहर, और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ाऊंगा। अच्छा सोनिया बेटी, ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया कि तुम बेहोश हो गई? सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती कि उसने क्या देखा। मनोहर उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वह सोनिया को डांटा नहीं और दोनों बच्चों को संभल कर रहने की सलाह दी। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन ऑटो भी नहीं मिलता है। वह पैदल ही अपने घर की ओर चल देता है। इधर रॉकी और विकी दोनों आपस में बात कर रहे हैं। विकी, तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा है वह सच होगा? मुझे तो लगता है कि वह सिर्फ बातें बना रही है, उसका भ्रम होगा। विकी, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत नहीं देखी, एक दिन भी और रुकने को तैयार नहीं हुई, मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। रॉकी, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देखते हैं। विकी, अरे भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा और तुम भी ना जाओ। विकी के मना करने के बावजूद रॉकी नहीं मानता और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है और कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया ने सर कटी हुई लटकी लाश देखी थी। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके हाथों को पकड़ लेता है। रॉकी डर जाता है और ज़ोरों से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई है, फिर कभी दोबारा नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वह अदृश्य हाथ रॉकी को खींच कर लाते हैं और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगते हैं। रॉकी चिल्लाता है, छोड़ दो छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मनोहर काम से पैदल घर पहुँचने वाला ही होता है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई देती है। मनोहर, ये क्या है? तो रॉकी की आवाज़ है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही, मुझे जाकर देखना चाहिए। मनोहर कब्रिस्तान के चारों ओर देखता है लेकिन रॉकी कहीं नहीं दिखता है। वह घर लौटकर आता है और विकी से पूछता है कि रॉकी कहाँ है। विकी, पापा मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही थी वो सच है या नहीं। मनोहर, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, जाओ घर के मंदिर में शंख में जो
जल रखा है वो जल्दी लेकर आओ और रॉकी को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। विकी वो जल लेकर आता है। मनोहर और विकी कब्रिस्तान जाते हैं। मनोहर जल छिड़कता है, फिर उसे किसी की घसीटने का निशान दिखता है। वह समझ जाता है कि फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। कब्र के अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। विकी बहुत डर जाता है। मनोहर, मुझे लगता है कि श्रापी प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया। हमें जल्द ही इसे निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें कोई प्रेत आत्मा कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वह कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी लतपथ बेहोश पड़ा होता है। मनोहर रॉकी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत ही गंभीर होती है। उस दिन के बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर से दूसरे गाँव में अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगता है। दोस्तों, अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, यदि आप कोई भी किसी भी टाइप की स्टोरी सुनना चाहते हैं, चाहे तो हॉरर स्टोरी हो या फिर लव स्टोरी हो या फिर रोमांटिक लव स्टोरी हो या फिर सैड लव स्टोरी हो, आप कोई भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमें इस टाइप की स्टोरी सुनना है, तो आपको अगले ही वीडियो में वो स्टोरी मिल जाएगी। तब तक के फाइनली और बेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।